से आप सभी आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी बधाइयाँ। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मूंगफली लिए हैं एक कटोरी। तो आज हम इसी से हलवा बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए एक थाली ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम एक कपड़े को डाल देंगे कॉटन वाले और उस पर हम मूँगफली को फैला के थोड़ा सा हम इसे ऐसे ही साफ़ कर देंगे क्योंकि हमें इसे धुलना नहीं है। तो इसमें जो थोड़ी बहुत डस्ट है वो निकल जाएगी। हमें इसे ऐसे ही रगड़ के थोड़ा सा साफ़ कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम कढ़ाई रख दिए हैं और इसमें हम कोई घी तेल अभी नहीं डाले हैं। मूँगफली को हमें ऐसे ही भूनना है और इसे आप व्रत में खा सकते हैं, इसलिए आज हम नवरात्रि में ही इसे बना रहे हैं। तो अब आप देखिए ये कैसे बनेगा। तो इसे हम सूखा ही भूनेंगे तो इससे इसके छिलके हटाने में आसानी रहती है। चलिए मूँगफली अब देख सकते हैं भून गई है हमारी अच्छे से। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मूँगफली का छिलका हटाकर और मूँगफली को हम देखिए पीस लिए हैं अच्छे से जार में। तो अब चलिए आगे इसे बनाना बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए कढ़ाई रख दिए थे और इसमें हम 1 से 2 चम्मच घी डाल देंगे। मूँगफली में हमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें खुद ही अपना तेल होता है। तो इसे गर्म होने देते हैं हम। चलिए घी गर्म हो गया, अब इसमें हम पिसी हुई मूँगफली को डाल देते हैं। अब इसे चला देंगे, हमें इसे 4 से 5 मिनट तक भूनना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए मूँगफली हमारी अच्छे से भून गई है। तो यहाँ पे हम इलायची का पाउडर डाल देते हैं और इसमें हम 1 से 1 चम्मच और ये 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं और इसमें 1 कप के करीब हम दूध डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए मूँगफली अब हमारी गाढ़ी हो रही है तो हमें इसे हलवे की तरह बनाना है। तो अभी और हम इसे पका लेते हैं। देख सकते हैं हलवा हमारा बिल्कुल अब रेडी हो गया। देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई में। देखिए फ्रेंड्स हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया मूँगफली का। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट था काजू और बादाम, इसे काट दिए हैं और डाल दे रहे हैं। और देखिए रेसिपी हमारी मूँगफली की तैयार हो गई। इतना बढ़िया आपका हलवा बन गया। आप इसे व्रत में खा सकते हैं और हेल्दी भी है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर हलवा अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।